पीएम मोदी की चुनौती पर आज कांग्रेस ने पलटवार किया। पीएम ने कल मध्य प्रदेश की रैली में कांग्रेस को चुनौती दी थी कि वो ऐसे व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाकर दिखाए जो गांधी परिवार का ना हो। जवाब में कांग्रेस ने क्या कहा और दूसरे विपक्षी दलों ने क्या कहा, वो सब सुनिए। पीएम मोदी की चुनौती पर कांग्रेस का पलटवार, इतिहास पढ़े प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया गांधी परिवार की पार्टी। कल पीएम ने दी चुनौती, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दिखाए जो गांधी परिवार से ना हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि नेहरू की वजह से एक चाय वाला देश का पीएम बना। बीजेपी का जवाब था कि नेहरू की वजह से नहीं, संविधान की वजह से चाय वाला पीएम बना। थरूर के बयान से चाय वाले पीएम का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। ग्वालियर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि किसी आम कांग्रेसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखा दे तो वो मान लेंगे कि नेहरू जी ने लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया। एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। कांग्रेस में अध्यक्ष तो छोड़ो, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता। 10 साल प्रधानमंत्री कौन था? सरदार मनमोहन सिंह भाई तो नहीं था, सोनिया जी तो नहीं थी, तो ये प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है दोस्त। पीएम मोदी की चुनौती पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बुनियादी मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें तो शायद अगले 3 महीने में कुछ काम कर पाएंगे। अभी भी आप वही फिल्म का किरदार जैसे होता है कि ये डायलॉग अच्छा होगा या वो डायलॉग अच्छा होगा, ये कब तक चलेगा? जब वो डिफीट हो गए, हारा दिया जनता ने, उनके पिछले इतिहास को कब तक आप पीटते रहेंगे लाठी से? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, आपको जनता ने जिताया है। क्या वो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई आम आदमी हो सकता है? कांग्रेस रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि प्रधानमंत्री रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। संविधान ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप अमीरों का माफ कर देते हो, आप किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करते?